देश भर में 74वें गणतंत्र दिवस का जश्न कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में दिखी भारत की आन बान और शान। राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के साथ शुरू हुई परेड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया परेड का नेतृत्व। गणतंत्र दिवस उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। मेहमान देश मिस्र के सशस्त्र बलों ने भी किया मार्च पास्ट। कर्तव्य पथ पर सेना, वायुसेना और नौसेना की निकली झांकियां। राज्यों की झांकियों में दिखी नए और आत्मनिर्भर भारत की झलक। महिला सशक्तिकरण को दी गई खास जगह। परेड में पहली बार विशेष मेहमान के तौर पर बुलाए गए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल श्रम योगी। नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को प्रधानमंत्री मोदी ने किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख भी रहे मौजूद। मालदीव और श्रीलंका समेत अन्य देशों में कई भारतीय उच्चायुक्त ने फहराया तिरंगा। और आज वसंत पंचमी के साथ वसंत ऋतु की हुई शुरुआत। देश भर में आस्था का सैलाब। पवित्र नदियों में श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। सभी को शुभकामनाएं और इसी के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में आज गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। आजादी के अमृतकाल में हम ये 74वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बेहद खास दिन पर दिल्ली का कर्तव्य पथ, भारत की जीवंत सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक और सामाजिक प्रगति की बेहद सुंदर तस्वीरों के साथ रोशन हो गया। इस बार गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि मिस्र से आए राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी हैं। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जब अल सीसी आए तो वहां पहले से मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। फिर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान हुआ। इस बार तोपों की सलामी 105 mm की भारतीय फील्ड गन से दी गई। ये रक्षा क्षेत्र में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है। और गणतंत्र दिवस परेड की कमान कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने संभाली। मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल भवनीश कुमार परेड सेकंड इन कमांड रहे। और पहली बार मिस्र के किसी राष्ट्रपति को भारत में गणतंत्र दिवस उत्सव के लिए आमंत्रित किया गया। और पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड में मिस्र के सशस्त्र बलों का संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल शामिल हुआ। दल का नेतृत्व कर्नल महमूद मोहम्मद अब्दुल फत्ताह अल खारासावी ने किया। इस दस्ते में मिस्र के सशस्त्र बलों की मुख्य शाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 144 सैनिक शामिल थे। पहली बार कर्नल की महानता और कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान दिखाई दी। परेड में आज 75 आर्म्ड रेजिमेंट के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन भी शामिल हुआ। इसका नेतृत्व कैप्टन अमनजीत सिंह ने किया। परेड में 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। रेजिमेंट का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ त्यागी ने राष्ट्रपति मुर्मू को सलामी दी। गणतंत्र दिवस के परेड में 3 लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के कैप्टन नवीन धाटरवाल के नेतृत्व में क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल की टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। वाहन आदर्श रूप से लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सक्रिय सैनिकों के लिए बनाया गया है। कर्तव्य पथ पर K9 वज्र टी स्वचालित गन सिस्टम ने भी अपनी ताकत दिखाई।
गणतंत्र दिवस की परेड में 861 मिसाइल रेजिमेंट की ब्रह्मोस भी शामिल रही। लेफ्टिनेंट प्रज्वल कला के नेतृत्व में दुनिया ने भारत के इस मिसाइल सिस्टम की ताकत देखी। कैप्टन सुनील दशरथ के नेतृत्व में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट की आकाश मिसाइल सिस्टम भी परेड में शामिल हुई। 512 लाइट एंडी मिसाइल रेजिमेंट ASSP के लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा भी मौजूद रही। और भारतीय नौसेना की मार्चिंग देखकर कर्तव्य पथ पर बैठे दर्शक जोश से भर गए। और अब सलामी मंच के सामने नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में, लेफ्टिनेंट अश्विनी सिंह, सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा और सब लेफ्टिनेंट एम आदित्य और 144 युवा नौसैनिक इसमें शामिल। इस दस्ते में पहली बार 3 महिला और 5 पुरुष अग्निवीर भी शामिल हो रहे हैं। और गणतंत्र दिवस के मौके पर सेना की कई टुकड़ियों ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति से सलामी ली। इसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, राजपुताना राइफल्स, मराठा लाइट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट और कई राज्यों के रेजिमेंट शामिल हुए। जवान की जोशीली धुन, आर्मर कोर सेंटर एंड स्कूल, पैराशूट और राजपुताना राइफल्स, रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड। ये दस्ता मराठा लाइट इन्फेंट्री का नेतृत्व संभाला है कैप्टन शाश्वत टबास ने। भारतीय सेना की सब वर्षों से अधिक पुराना है। युद्ध घोष, बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बेस्ड नाउ द डोगरा रेजिमेंट लेड बाय कैप्टन अनवादमा व्हिच मींस ड्यूटी बिफोर डेथ एंड देयर वॉक। वीर कारगिल echoing here at Kartavya Path, the combined band of Diggar Singh. और गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर वायुसेना के मार्चिंग दस्ते ने अपनी ताकत दिखाई। भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दस्ते में वायुसेना के 144 जवान और 4 अधिकारी शामिल हुए। इसका नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने किया। सीमाओं से आगे भारतीय वायुसेना की शक्ति विषय वस्तु पर केंद्रित वायुसेना की झांकी में भारतीय वायुसेना की विस्तारित पहुंच को प्रदर्शित करते हुए एक घूमते हुए ग्लोब, जिससे ये सीमाओं के पार मानवीय सहायता के साथ ही मित्र देशों के साथ अभ्यास प्रदान करने में सक्षम है, इस विषय को भी प्रदर्शित किया। इसमें हल्का युद्धक विमान तेजस मार्क II, हल्का युद्धक हेलीकॉप्टर प्रचंड, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट नेत्र और C-295 परिवहन विमानों का भी प्रदर्शन किया गया। झांकी में लेजर डिजिग्नेशन उपकरणों और विशेषज्ञ हथियारों के साथ युद्धक ड्रेस में गरुड़ का दल भी प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही वायुसेना के बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी। Which has gone past. और गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना के 45 विमान, भारतीय नौसेना का एक और, भारतीय सेना के 4 हेलीकॉप्टर ने आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाए। इस दौरान दुनिया ने राफेल विमानों की भी ताकत देखी। With the Rafale, the Sukhois, MiG-29s, the Jaguars, Arrowhead formation led by these are from the air, from the aircraft, giving you great perspective. Netra formation. Airborne early warning and control Viman, AEWNC, 4 Rafale, aero formations. Presenting the flypast on all Republic Days, and here we have the next formation, the Bheem formation, comprising 1 C-17 aircraft, 2 Sukhoi 30 aircraft in echelon.
और गणतंत्र दिवस परेड में बीएसएफ ने शाही ऊंटों से दर्शकों का मन मोह लिया। सीमा सुरक्षा बल की ऊंट टुकड़ी ने डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के कमान में सलामी मंच से मार्च पास्ट किया। पहली बार महिला ऊंट सवारों ने परेड में भाग लिया। दुनिया में अपनी तरह का ही और कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में नारी शक्ति की भी झलक देखने को मिली। महिला सैनिक परेड में शामिल हुई है। इसके अलावा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और असम राइफल्स की महिला जवानों के दल ने भी इस परेड में हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर डेयर डेविल्स टीम की कोर की ओर से साहसी मोटरसाइकिल का प्रदर्शन किया गया। 33 डेयर डेविल्स 9 मोटरसाइकिलों पर मानव पिरामिड बनाते हुए दिखाई दिए। Precision to the split of a second that has all of us watching mesmerized by the kind of stunts that they will perform. Jimmy formation showcasing swift and secure trade to the core of signals being performed by Lance Naik Desai Ajit. और कर्तव्य पथ पर दिल्ली पुलिस ने भी पूरे जोश के साथ परेड में हिस्सा लिया। इसकी अगुवाई दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्वेता सुगाधन ने की। इस दस्ते में सभी जवान लगभग 6 फीट के हैं। इस दस्ते की एक और विशेषता रही, साल 1950 से लेकर आज तक ये लगातार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रहा है। वहीं इस दस्ते ने शानदार पुलिस बैंड से अपनी प्रस्तुति भी दी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के इस दस्ते को 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग की ट्रॉफी भी मिल चुकी है। दिल्ली पुलिस के बैंड के जवान दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए गुजर रहे हैं। नेतृत्व बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह मंडल के सदस्य अभिनंदन करते हुए इस तो गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर खबरें आगे जारी रहेंगी, लेकिन रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में सीआरपीएफ के महिला दस्ते ने हिस्सा लिया। इस महिला दस्ते को पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमान असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता के हाथों में। इसे दुनिया में पहली महिला सशस्त्र बटालियन बनने का गौरव प्राप्त है। सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। इसमें 3,42,000 से अधिक कर्मियों के साथ 246 बटालियंस हैं। इसके साथ ही सीआरपीएफ के बैंड ने अपनी प्रस्तुति भी दी। गोइंग पास्ट द सैल्यूटिंग पेस, द फ्लैश ऑफ रेड, द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बैंड, इंस्पेक्टर शमशेर लाल लीडिंग दिस बैंड, देश के हम है रक्षक। और गणतंत्र दिवस परेड में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मार्चिंग दस्ते ने भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही इसके बैंड ने भी अपनी प्रस्तुति दी। फॉलोइंग देयर बैंड गोइंग पास्ट द सैल्यूटिंग बेस, द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बैंड, कांस्टेबल सुरेश चंदसैनी लीडिंग द बैंड, द ट्यून गंगोत्री।
गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय तटरक्षक बल के मार्चिंग दस्ते ने भाग लिया। भारतीय तटरक्षक बल ने अपने समुद्री ऑपरेशन में महिलाओं को तैनात करने वाला पहला बल रहा है। ये 157 समुद्री जहाजों और 78 विमानों के बेड़े के साथ समुद्र में खतरों से मुकाबला करता है। इसका मुख्य काम समुद्री मार्गों के माध्यम से तस्करी को रोकना है। स्थापना के बाद से इस बल ने समुद्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर की झांकी में तीर्थयात्रियों और इको फ्रेंडली मिट्टी को दर्शाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर लद्दाख की झांकी दिखाई गई। झांकी में खुबीना पश्मीना की झलक दिखी। राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में असम की झांकी दर्शकों का उसने मनमोहा। असम की झांकी में अहोम योद्धा लचित बोरफुकन को एक नाव पर और मां कामाख्या मंदिर के दृश्य को दिखाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ पर्यटन और जैविक खेती के माध्यम से सतत आजीविका विषय पर त्रिपुरा की झांकी प्रदर्शित की गई। ये महामुनि बुद्ध मंदिर को भी दर्शाती है। कर्तव्य पथ पर कर्नाटक की झांकी प्रतीकात्मक रूप से राज्य की महिलाओं की उपलब्धि हासिल करने वाली असाधारण उपलब्धियों को दिखाया गया। और इस मौके पर हरियाणा की झांकी भगवत गीता पर आधारित डिजाइन को दर्शाती रही। झांकी में भगवान कृष्ण को अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करते हुए और उन्हें गीता का ज्ञान देते हुए दिखाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर गुजरात की झांकी दिखाई गई। झांकी की थीम ने स्वच्छ हरित ऊर्जा कुशल गुजरात विषय पर रही। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या में मनाए जाने वाले 3 दिवसीय दीपोत्सव को दिखाया गया। और दिल्ली में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी में कॉर्बेट नेशनल पार्क और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम को दर्शाया गया। कर्तव्य पथ पर दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव की झांकी ने हर किसी का मन मोह लिया। इस बार झांकी में विषय जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। यहां उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां विजिटर बुक में अपने विचार भी लिखे।
जो लौट के घर ना आए। माननीय प्रधानमंत्री अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार दर्ज करते हुए and gratitude to all our men and women in uniform who soldier the flame of sacrifice valor and और 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुजरात के बाटोद में समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रांची में तिरंगा फहराया। राजस्थान के राज्यपाल ने भी जयपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया। और केरल के राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया। अंडमान के उपराज्यपाल ने भी गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। और अब ध्वजारोहण। और 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दूरदर्शन भवन के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने झंडारोहण किया। इस मौके पर दूरदर्शन और डीडी न्यूज के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने अपने संस्थान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहने को का आह्वान किया। का दिन है जो मैं कहूंगा कि राष्ट्र पर्व, राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त, 26 जनवरी कुछ संकल्प का दिवस भी होता है। ये तो हम लोग संकल्प लें कि हम लोग निष्ठा से जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते रहेंगे। और भारत का 74वां गणतंत्र दिवस विदेशों में भी मनाया गया। मालदीव, श्रीलंका, नेपाल समेत कई देशों के उच्चायोगों और दूतावास में भारत के गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मालदीव्स में भारतीय उच्चायोग में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। मालदीव के माले में भारतीय उच्चायुक्त मनु महावर ने झंडारोहण किया। इस मौके पर भारतीय उच्चायुक्त में कार्यरत कर्मचारी और भारतीय समुदाय के कई लोग उपस्थित रहे। वहीं श्रीलंका में भी भारतीय गणतंत्र दिवस का पर्व आयोजित किया गया। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान करने वाले महान सपूतों को याद किया गया। झंडारोहण के मौके पर काफी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर कोलंबो में भारतीय समुदाय के लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। और बांग्लादेश में भारतीय गणतंत्र दिवस खास धूमधाम के साथ मनाया गया। ढाका में भारतीय उच्चायोग में झंडारोहण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने झंडा फहराया। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रपति का संदेश पढ़ा। इस मौके पर बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।